Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel Speak English with AB. Hey, I am Aryan. अगर आप इंग्लिश में गुड मॉर्निंग विश करना चाहते हैं तो ये वीडियो ध्यान से ज़रूर देखें. इस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. आइए दोस्तों, सीखते हैं गुड मॉर्निंग विश कैसे करें, कब करें. गुड मॉर्निंग विश करने का टाइम होता है रात 12 बजे से लेकर दिन 12 बजे तक. ये AM का टाइम ही हम लोग गुड मॉर्निंग विश करते हैं. और आप कभी भी किसी से पहली बार मिलते हो तो गुड मॉर्निंग विश कर सकते हो. आप किसी से अचानक मिले, गुड मॉर्निंग बोल सकते हो. किसी से मिलते ही हम सोचते हैं क्या बोले, नमस्कार बोले, प्रणाम बोले, नमस्ते बोले. आपको कुछ नहीं बोलना है, एक सिंपल सा तरीका गुड मॉर्निंग बोलना है, वो भी आपको रिप्लाई में गुड मॉर्निंग बोलेगा. तो आइए दोस्तों, सीखते हैं गुड मॉर्निंग बोलने के कई तरीके. मेरा पहला सेंटेंस है, पहला तरीका है, सुप्रभात, आपका दिन अच्छा हो. गुड मॉर्निंग, हैव ए ग्रेट डे. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, हैव ए ग्रेट डे. और गुड आफ्टरनून का टाइम होता है दिन 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक. आप किसी को गुड आफ्टरनून बोल सकते हो. आइए दोस्तों, गुड मॉर्निंग बोलने का एक और अच्छा सा तरीका सीखते हैं. सुप्रभात, खुश रहो, स्वस्थ रहो. इसका इंग्लिश सेंटेंस होगा, इंग्लिश में विश करेंगे, गुड मॉर्निंग, बी हैप्पी, बी हेल्दी. आपको एक और चीज़ बता दें दोस्तों, रात 12 बजे से दिन 12 बजे का समय AM का होता है. इसमें आप किसी को भी गुड मॉर्निंग विश कर सकते हो. दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक आपका समय PM का होता है. और दिन 12 बजे से लेके 4 बजे तक आफ्टरनून आप विश कर सकते हो. और शाम 4 बजे से रात तक आप किसी को भी गुड इवनिंग विश कर सकते हो. और रात सोने से पहले तक आप किसी को गुड इवनिंग विश कर सकते हो. और सोने के टाइम आप किसी को गुड नाइट विश कर सकते हो. सो गाइज, नेक्स्ट वाला है हमारा गुड मॉर्निंग बोलने का एक और अच्छा सा तरीका. आइए दोस्तों, गुड मॉर्निंग बोलने का एक और अच्छा तरीका देखते हैं. सुप्रभात, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, होप यू आर वेल. मतलब आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, गुड मॉर्निंग. एक और तरीका गुड मॉर्निंग बोलने का, इसे हम मैसेज में मैक्सिमम यूज करते हैं. किसी को मैसेज करना, SMS करना तो ज़्यादा यूज करते हैं. देखते हैं, तुम्हारे लिए सुबह का प्यार भेज रहा हूँ, सुप्रभात. इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंडिंग यू सम मॉर्निंग लव, गुड मॉर्निंग. आइए दोस्तों, गुड मॉर्निंग बोलने का एक और तरीका देखते हैं. आपकी मुस्कान मेरी सुबह को चमका देती है. इसे इंग्लिश में बोलेंगे, योर स्माइल शाइंस माई मॉर्निंग. यह विश मैक्सिमम लड़कियों को बोला जाता है. सो गाइज, जब भी आप किसी लड़की को गुड मॉर्निंग बोलें तो ये वाला जरूर यूज करें. नेक्स्ट वाला है, सुबह सुबह आपसे बात करने से मेरा दिन अच्छा बन जाता है. इसे इंग्लिश में बोलेंगे, टॉकिंग विथ यू इन मॉर्निंग मेक्स माई डे. नेक्स्ट वाला है, आज की सुबह उतनी ही प्यारी है जितने आप हो. इसे इंग्लिश में बोलेंगे, टुडेज मॉर्निंग इज एज लवली एज यू. ये तारीफ है मॉर्निंग है, कितना अच्छा किसी की तारीफ करते हुए आप गुड मॉर्निंग विश करें. नेक्स्ट वाला है, सुहानी सुबह, लवली मॉर्निंग, प्यारा सा मॉर्निंग. हमारा नेक्स्ट गुड मॉर्निंग विश है, सुप्रभात दोस्त, आपका दिन खुशियों से भरा हो. गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, मे योर डे बी फुलफिल्ड विथ हैप्पीनेस. इसमें आप फ्रेंड, दोस्त, भाई, बहन, किसी को भी जोड़ के बोल सकते हो. सुप्रभात दोस्त की जगह सुप्रभात सिस्टर, सुप्रभात बहन, सुप्रभात भाई, कुछ भी बोल सकते हो और गुड मॉर्निंग विश कर सकते हो. नेक्स्ट गुड मॉर्निंग विश है, कभी उम्मीद और हिम्मत मत हारना, सुप्रभात. नेवर लॉस होप एंड पावर डियर, गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट वाला सिंपल तरीका है, आपका दिन अच्छा हो, गुड मॉर्निंग, गुड डे टू यू. इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड डे टू यू. सो गाइज, हम लोगों ने बहुत सारे तरीके गुड मॉर्निंग बोलने के सीख लिए हैं, पर हम लोग मैक्सिमम यही वाला तरीका लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. जो और सिंपल तरीका है,
सुप्रभात, क्या बोलेंगे इसे इंग्लिश में? गुड मॉर्निंग।